कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी मैच। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ओपनिंग करने के लिए पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर उतरेंगे। दिल्ली के मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पे मिचेल मार्श, नंबर 4 पे ऋषभ पंत और नंबर 5 पे ट्रिस्टन स्टब्स उतरेंगे। लोअर ऑर्डर में नंबर 6 पे अभिषेक पोरेल और नंबर 7 पे अक्षर पटेल उतरेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग लाइनअप में नंबर 8 पे ईशांत शर्मा, नंबर 9 पे मुकेश कुमार, नंबर 10 पे एनरिक नॉर्की और नंबर 11 पे खलील अहमद नजर आएंगे। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रशीद डार उतरेंगे। दिल्ली कैपिटल्स पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हरा कर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में पृथ्वी शॉ की वापसी हुई है, जिससे इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। वहीं गेंदबाजी में खलील अहमद और मुकेश कुमार काफ़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। केकेआर की तरफ से ओपनिंग करने के लिए सुनील नारायण और फिल सॉल्ट उतरेंगे। मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पे वेंकटेश अय्यर, नंबर 4 पे सुरेश अय्यर और नंबर 5 पे रिंकू सिंह उतरेंगे। लोअर ऑर्डर में नंबर 6 पे रमनदीप सिंह और नंबर 7 पे आंद्रे रसल दिखेंगे। बॉलिंग लाइनअप में नंबर 8 पे मिचेल स्टार्क, नंबर 9 पे अनुकूल रॉय, नंबर 10 पे हर्षित राणा और नंबर 11 पे वरुण चक्रवर्ती नजर आएंगे। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे सुयश शर्मा नजर आएंगे। केकेआर की टीम पिछले मुकाबले में आरसीबी को हराकर आ रही है। केकेआर की तरफ से सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसल काफी खतरनाक फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में मिचेल स्टार्क महंगे साबित हो रहे हैं। हालांकि हर्षित राणा काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। टॉप ऑर्डर में दिल्ली कैपिटल्स स्ट्रॉन्ग दिख रही है, मिडल ऑर्डर में केकेआर स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लोअर ऑर्डर में केकेआर स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बॉलिंग में दिल्ली कैपिटल्स स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बातें प्रेडिक्शंस की ओर, तो पहली प्रिडिक्शन यह है कि डेविड वार्नर 50 से ज़्यादा मारेंगे। दूसरी प्रिडिक्शन यह है कि सुनील नारायण 2 विकेट लेंगे। और तीसरी प्रिडिक्शन यह है कि दिल्ली कैपिटल्स यह मुकाबला जीतेगी।